हज़रात मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई इमामुद्दीन अख्तरी फिर हाजिरी खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि मौलाना साहब एक वीडियो ख़त्म कादरिया शरीफ की फजीलत के ऊपर बना दीजिए ताकि हमको मालूम हो जाए कि ख़त्म कादरिया शरीफ की फजीलत क्या है। तो आइए हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर जो ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़ी जाती है उसकी फजीलत बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि हमारे जिन भाइयों को मालूमात नहीं है उनको मालूमात हो जाए। हज़रात मोहतरम, आइए अब मैं आपको ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़ने की फजीलत बताने जा रहा हूँ। ख़त्म कादरिया शरीफ के फ़वाइद। यूँ तो ख़त्म कादरिया शरीफ के बेशुमार फ़वाइद हैं मगर यहाँ हर एक के बयान की गुंजाइश नहीं, चंद फ़वाइद तहरीर किए जाते हैं। नंबर एक, साल में जो शख्स एक मर्तबा ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़े या पढ़वाए उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा, सुबहान अल्लाह। नंबर दो, जिस शख्स के औलाद ना होती हो हर माह की 11 तारीख को ख़त्म कादरिया शरीफ करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको औलाद नरीना से मालामाल फरमाएगा। नंबर तीन, जो शख्स तंग दस्त या मकरूज़ हो यानी कि कर्ज़दार हो ख़त्म कादरिया शरीफ हर हफ्ते या जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब पढ़े इंशाअल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत होगी और कर्ज से बारी ज़िम्मा होगा यानी कर्ज अदा कर देगा। नंबर तीन, नंबर चार, कैदी अगर ख़त्म कादरिया शरीफ का वर्द रखे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही रिहाई पाएगा। नंबर पाँच, किसी शख्स पर जादू कर दिया गया हो या किसी घर में जादू का असर हो तो ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़कर पानी पर दम किया जाए और वो पानी उस शख्स को पिलाया जाए जिस पर जादू है या जिस घर में जादू है उस घर में अंदर बाहर चारों जाने पानी की छींटें मारी जाएं इंशाअल्लाह जादू ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। नंबर छः, किसी भी किस्म का मरीज इस ख़त्म कादरिया शरीफ का वर्द रखे इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द बीमारी से शिफा पाएगा। नंबर सात, किसी भी किस्म की परेशानी में मुबतला हो बला वाफत में गिरफ्तार हो हर मुश्किल के लिए ख़त्म कादरिया शरीफ बहुत ही मुफीद और मुजर्रब अमल है। नंबर आठ, जो शख्स ख़त्म कादरिया शरीफ का हमेशा वर्द रखे वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। नंबर नौ, जिसको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की तलब हो वो नमाज़े तहज्जुद के बाद बगदाद की तरफ रुख करके ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़े इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मुराद पूरी फरमाएंगे और जो है वो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। तो हज़रात मोहतरम, ये थी ख़त्म कादरिया शरीफ की फजीलत। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी। अल्लाह तबारक ताला हम लोगों की तमाम परेशानी को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।